बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चाट मसाला। किचन में से ही तमाम मसाले लेंगे और बहुत आसानी से हम चाट मसाला तैयार करेंगे। ये चाट मसाला बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनता है। आप इसे फ्रूट चाट में, दही बड़ों के अंदर, हलीम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही बड़ों के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्ज़ है, आप जिस चीज़ में चाहें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतना मज़ेदार और जायकेदार बनता है। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। धनिया साबित हमने लिया है 2 टेबल स्पून, काली मिर्च साबित हमने लिए 1/2 खाने का चम्मच, ज़ीरा सफ़ेद हमने लिया है 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, मैंगो पाउडर यानी सूखी हुई खटाई का पाउडर 2 खाने के चम्मच, काला नमक हमने लिया है 1/2 खाने का चम्मच, 1 टीस्पून हमें सफ़ेद नमक लेना होगा, सादा नमक। मैं पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करती हूँ तो मैं पिंक सॉल्ट ले रही हूँ। टाटरी लिए हमने 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, सौंठ का पाउडर यानी खुशक अदरक का पाउडर 1/2 टीस्पून और 6 अदद हमने साबित लाल मिर्च लिए हैं। ये हैं हमारे टोटल मसाले। काली मिर्च, साबित धनिया, अजवाइन, लाल मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा, इन्हें हम ड्राई रोस्ट करेंगे। हल्का हल्का सेक लेंगे ताकि पिसने में आसानी होती है और जायका भी बढ़ जाता है। मसाले हमारे अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए। किसी प्लेट में निकाल लेना है ताकि ठंडे हो जाए। जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट किए थे वो ठंडे हो गए। अब इन्हें हम ग्राइंड करेंगे, क्योंकि ये साबित मसाले हैं तो ये रह जाएंगे, तो पहले हमें इन्हें ही पीसना है। इन्हें हम पीस लेते हैं। साबित मसाले हमने पीस लिए हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे तमाम पाउडर मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, सौंठ पाउडर, काला नमक, टाटरी और सूखी हुई पिसी हुई खटाई। इन सबको भी हम एक दफ़ा अच्छे से सबको मिक्स करके पीस लेंगे ताकि तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छे से ग्राइंड कर लिया है तमाम मसाले को। अब इसे निकाल लेते हैं। चाट मसाला हमारा बनकर तैयार है और इसे हमें बिल्कुल फ़ाइन पीसना होगा। ये ज़रूर ख्याल रखें, फ़ाइन पीसना होगा। अगर आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं, मगर ये बगैर छने हुए बारीक पिसा हुआ है। मैंने आपको ओरिजिनल चाट मसाले की रेसिपी दी है। इसे आप हलीम में डाल के खा सकते हैं, दही बड़ों में, चना चाट में, फ्रूट चाट में, या आप जिसमें भी खाना पसंद करते हैं इस चाट मसाले को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये परफेक्ट रेसिपी है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप एक बार ये मसाला बना लेंगे तो आप बाज़ार का आपको मसाला पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इसका टेस्ट इतना अच्छा है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। ये हमारा चाट मसाला बनकर तैयार हो चुका है।